जय माँ बगलामुखी। अगर लाइफ में घट रही है ऐसी खतरनाक घटनाएं, तो समझ लें पितृ हैं नाराज, पितृ पक्ष में करें ये उपाय। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि पितृपक्ष का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में होता है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताया गया है। कहते हैं कि अगर पितृ नाराज होते हैं तो परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का जो महीना होता है वह भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और आश्विन माह की अमावस्या की जो तिथि होती है उस पे समापन इसका होता है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा का विशेष महत्व हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। पितृपक्ष विशेष पितरों को समर्पित है। जैसे श्रावण का जो मास होता है वह विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है, इसी तरह पितृपक्ष विशेष रूप से जो 15 दिन ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं यह विशेष रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति एवं समृद्धि के लिए हम भिन्न भिन्न तरीके से अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं, पार्णव श्राद्ध करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं या फिर नारायण बलि इत्यादि या फिर पिंडदान करके अपने पितरों को संतृप्त करने का कार्य हम भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है पितृपक्ष में। जो व्यक्ति अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रखता है, पितृपक्ष में उसके पूर्वज उसको आशीष देते हैं और साल भर उसके घर में सुख शांति का वास अवश्य रहता है। इन दिनों में पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जो लोग अपने पितरों की विधिवत शास्त्रोक्त विधि के द्वारा श्राद्ध कर्म करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों को जलंजलि देते हैं या फिर पितरों के निमित्त किसी भी ब्राह्मण को भोजन इत्यादि का दान करते हैं, उन लोगों के पितर प्रसन्न होकर उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिन घरों में श्राद्ध नहीं किए जाते, जो लोग अपने पितरों का अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, वहाँ परिवार के सदस्यों में क्लेश की स्थिति बनी रहती है। उन घरों से क्लेश समाप्त नहीं होता, निरंतर उन घरों में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उनके पितर संतृप्त नहीं हो पाते, क्योंकि वर्ष में केवल ये 15 दिन ही इतने विशेष होते हैं जब हमारे पूर्वज स्वर्ग से या फिर नरक की अनेक यातनाएं अपने कर्मों के द्वारा जो भोग रहे होते हैं वह इस भूलोक पर आते हैं और वह देखते हैं कि उनकी जो प्रणाली है, उनका जो वंश है, उनके लिए किस तरीके के भाव व्यक्त करता है, किस तरीके से पूजा इत्यादि या उनका श्राद्ध इत्यादि कर्म करता है, वह सब भूलोक पर ही देखते हैं। जो लोग अपने पितरों का विधिवत तरीके से श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का आवास होता है, उनके पितर प्रसन्न होते हैं और संतृप्त होकर के जाते हैं, उनको संपूर्णता का समृद्धि का वरदान दे करके वो यहाँ से अपना जो है प्रस्थान करते हैं। भक्तों, इस दौरान कई तरह की घटनाएं, जिन लोगों के पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उन लोगों के घरों में, उन लोगों के जीवन में कई तरह की घटनाएं व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आइए इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि 2023 में श्राद्ध पक्ष कब से हैं और कब शुरू होंगे पितृपक्ष, और पितरों के नाराज होने के संकेत क्या होते हैं।
और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सूक्ष्म विधि के द्वारा बिना खर्च के आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में एक बात कही गई है, किसी भी देवता के लिए, किसी भी पितर के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए एक बात विशेष प्रधानता रखती है कि भावेन विद्यते देवो भवा, कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। व्यक्ति भाव का भूखा होता है और पितर भी भाव के भूखे होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम से, सौहार्द से और अच्छे शब्दों से अगर बात करते हैं तो उस व्यक्ति से आप अपनी कुछ भी बातें मनवा सकते हैं, अपना कोई भी कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। भक्तों, पितृपक्ष की शुरुआत 2023 में कब होगी? मार्तंड पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, और इस बार भाद्रपद माह की पूर्णिमा जो तिथि है वह 29 सितंबर 2023 के दिन पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। आश्विन माह की अमावस्या तिथि के दिन पितृपक्ष का समापन होता है। आश्विन माह की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है उस दिन पितृपक्ष का समापन होता है। इसको सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। नाराज पितृ देते हैं यह संकेत। अगर आपके घर में आपके पितृ नाराज हैं तो क्या संकेत आपके जीवन में मिलते हैं, और कैसे आप पहचाने कि आपके पितर आपसे नाराज हैं या वो संतृप्त नहीं है? कहते हैं कि अगर पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन संकेतों के समय रहते समझ लिया जाए तो पितृपक्ष में इसका निवारण आप बड़े सूक्ष्म तरीके से कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न आप कर सकते हैं। कैसे जाने कि आपके पितर आपसे नाराज हैं? भक्तों, हम आपको बताते हैं कि बिना किसी वजह के अगर आपके घर में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, परिवार के लोगों में मनमुटाव रहता है, दो भाई हैं, तीन भाई हैं और आपस में एक दूसरे से विद्रोह करते हैं, सौहार्द की भावना भाइयों के अंदर नहीं है, या फिर एक दूसरे से ईर्षा की स्थिति भाइयों में बनी हुई है, या माता पिता जो हैं घर में उनके अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, या पति पत्नी में भी व्यवचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, बिना हुई बातों को लेकर के घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, यह पितृदोष मुख्य लक्षण है। यह अगर घटना आपके घर में है तो आप समझें कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, और इसका निवारण आप समय रहते करें। पितृदोष के चलते व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और मेहनत करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को उस मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता, और ना ही उसको फलों की प्राप्ति होती है, और किसी भी काम में उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। यह भी एक पितृदोष का मुख्य लक्षण है। थर्ड नंबर पर, अगर परिवार में कोई लड़का या लड़की विवाह योग्य है और आपके पास संपन्नता होने के बावजूद भी धन दौलत सभी भौतिक सुख आपके घर में हैं, प्लाट गाड़ी बंगला सब कुछ होते हुए भी उनकी शादी में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी मैंने आपको कहा कि अगर पति पत्नी हैं तो उनमें वैचारिक मतभेद हो तो यह भी पितृदोष का एक मुख्य लक्षण है। भक्तों, अगर किसी कार्य में कोई नुकसान होता है तो घर के सदस्यों को बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर बार बार किसी कार्य में आपको नुकसान होता है, वाहन आदि की दुर्घटना बार बार हो रही है, कोई वाहन घोड़ा गाड़ी आपके पास है और बार बार उसमें टूट फूट हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो ये पितरों के नाराज होने का संकेत होता है। ये मुख्य लक्षण पितरों के नाराज होने के हैं, और विशेष रूप से गरुड़ पुराण के अंदर 64 प्रकार के दोष बताए गए हैं कि 64 प्रकार के दोषों के द्वारा अगर परिवार में किसी की अधोगति मृत्यु हो जाती है तो उन व्यक्ति के घर में प्रेत दोष भी होता है, उनके पितर अतृप्त हो जाते हैं, और जो प्रेत जो अधोगति जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो प्रेत बन करके पितरों को दूषित कर देता है। जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको कुछ 8-10 बातें बताऊंगा। आप देखिए, अगर आपके परिवार में आपके कुटुंब में किसी व्यक्ति की ऐसे दुर्घटना से या फिर इस तरीके से मृत्यु हुई है तो कहीं आपके परिवार में पितृदोष तो नहीं लगा,
कहीं आप पितृदोष की समस्या के कारण परेशान तो नहीं है? कहीं आपकी सारी समस्याओं की जड़ आपका पितृदोष तो नहीं है? तो 64 प्रकार के जो दोष गरुड़ पुराण के अंदर बताए गए हैं, उनमें विशेष मुख्य रूप से कि जल में डूब करके अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, करंट लगने से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सर्पदंश के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी भालू के द्वारा, किसी व्याघ्र के द्वारा, अगर काटने के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी पहाड़ी से गिरने के कारण, या एक्सीडेंटल मृत्यु, या लंबी बीमारी के चलते, या फिर छत से गिरने के द्वारा, या जमीनी विवाद में कोई भाई भाई की मृत्यु कर दे, तो इस तरीके से अगर आपके परिवार में, किसी कुटुंब में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो आपके कुल में पितृदोष तो है परंतु उसके ऊपर प्रेत दोष भी लगा हुआ है। इसका निवारण आप समय रहते कर लें। इस निवारण के करने के बाद आपके 100% कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भक्तों, नाराज पितरों को कैसे प्रसन्न करें, क्या उपाय नाराज पितरों को मनाने के लिए करें, वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, विषय तो बहुत लंबा है, क्योंकि कर्मकांड के अंदर सबसे विलक्षण कर्म प्रेत कर्म है। और बहुत सारे लोगों के पास, हमारे पास फोन कॉल आते हैं, जिसमें मैंने देखा है कि 70-75% लोगों के घरों में पितृदोष के कारण समस्या है। 70-75% लोग जो हैं वो पितृदोष के कारण परेशान है, वो प्रेत दोष के कारण परेशान है, अन्य कोई बाधा उनके जीवन में नहीं है। कुंडली में एक अच्छा योग होने के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, बार बार नुकसान की स्थिति बनती है, ऐसा उन लोगों के जीवन में घटित हो रहा है। तो आप सूक्ष्म से तरीके से कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके पितर नाराज हैं या कुंडली में आपके पितृदोष हैं, तो मेहनत का फल आपको नहीं मिलता, किसी भी व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, जिस कारण व्यक्ति हमेशा तनाव का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी क्लेश की स्थिति बनी रहती है, पति पत्नी में निरंतर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और बिना हुई बातों को लेकर के, जिन बातों का कोई अर्थ ही नहीं होता, उन बातों में मिनट मिनट में लड़ाई हो जाती है। अगर आपके घर में ऐसी स्थिति है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उपाय आपको बता रहे हैं, इन उपायों को आप अपने जीवन में फॉलो करें तथा एक अच्छा लाभ आपको इन उपायों के द्वारा मिलेगा। काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों को सर्वपितृ अमावस्या के दिन नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए, चांदी के नाग नागिन लें। वैसे तो अष्ट नाग पूजा का विधान काल सर्प दोष के लिए बताया गया है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सूक्ष्म तरीके से बिना खर्च, बहुत थोड़े से खर्च में, 50-100 रुपये के खर्च में ही आपको समाधान हम बताएंगे। नाग नागिन का जोड़ा लेकर उनके विधिवत आप दूध दही घी शहद पंचामृत इत्यादि से चावल फूल रोली से पूजन करें, और इसके पश्चात आप उन नाग नागिन के जोड़े को किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। इससे आपको कालसर्प दोष से मुक्ति मिलेगी तथा जीवन में काफ़ी हद तक आपकी समस्याएँ जो हैं समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियाँ यदि दी जाएँ, तो घर में आने वाली समस्याएँ संकट उनका अंत हो जाता है। एक और उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि यदि आपके घर में पितृदोष है या पितरों की नाराजगी से आप छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय करने की सोच रहे हैं, तो कुछ उपायों पर खास जोर आपको देना चाहिए। कहते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों की सदगति के लिए, अगर आपके घर में कोई किसी एक व्यक्ति की अधोगति मृत्यु हुई है, तो आप नारायण बलि कराएं। अगर एक से अधिक आपके परिवार में किसी का अधोगति अकाल मृत्यु हुई है, 27 महीने से ऊपर का बच्चा अगर गुजर जाता है, तो उसकी औरदेहिक क्रिया पूर्ण रूप से करनी चाहिए, जैसे एक बड़े व्यक्ति की करते हैं, तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध उस व्यक्ति के लिए करना चाहिए, पिंडदान इत्यादि करना चाहिए। अगर आपके घर में केवल पितृदोष लगा हुआ है, तो पर्णव श्राद्ध आप अपने पितरों के लिए करें, या फिर आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करें, किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, बिना फॉर्मेलिटी के, केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अगर आप फॉर्मेलिटी करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपने विधि विधान से अपने पितरों की सदगति के लिए भावना से किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अपने पितरों का पिंडदान कराएं, या फिर गोदान आप कराएं। ऐसा करने से नाराज पितर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, मान्यता है कि भगवान शंकर का ध्यान करने से नाराज पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आपको पितृपक्ष में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव का पितृपक्ष के दिनों में जो भगवान शिव की गायत्री है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, भगवान शिव की गायत्री है,
इसका कम से कम 108 बार आपको नित्य प्रतिदिन 15 के 15 दिन जब आप करें, इस मंत्र का जप करने से भी आपको विशेष लाभ आपके जीवन में मिल सकता है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी धार्मिक जानकारी आपको पुनः प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सा।